हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले का जो पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन क्या होता है और एज ए लिंकिंग वर्ड ये दूसरे लिंकिंग वर्ड से किस तरीके से अलग होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में बताऊंगा। इसका कुछ पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्योंकि सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में काफ़ी सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे एज हुआ, बिकॉज हुआ, सिंस हुआ, टिल हुआ, बाय हुआ, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आते हैं। तो इसमें मैंने चार पांच कॉन्सेप्ट लिए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और एग्जाम्पल सेंटेंसेस हम देखेंगे। देखिए, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसको आप एग्जाम्पल से यदि समझें तो काफ़ी आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कंपनीज होती हैं, डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें एक होता है मैनेजर और एक होता है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है आपके अधीन जो काम कर रहा है, आपके नीचे जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। सपोज एक है आपका मैनेजर और एक है आपका क्लर्क, ठीक है। तो मैनेजर क्या है कि मैनेजर मेन है और क्लर्क उसका सबॉर्डिनेट है, क्लर्क उसके नीचे है। यानी क्लर्क इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, क्लर्क को कोई भी काम करना है तो उसको मैनेजर से पूछना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज दो मैनेजर हैं, एक है आपका फाइनेंस का मैनेजर, ठीक है। सपोज ये है फाइनेंस का मैनेजर और एक है मार्केटिंग मैनेजर। तो ये दोनों मैनेजर जो है ये सेम लेवल पर हैं, ये आपस में एक दूसरे को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे ये, ठीक है। तो इन दोनों को आप कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोल सकते हैं क्योंकि आपस में ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, ये एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं है। सबॉर्डिनेट तो इन मैनेजर्स के जो क्लर्क हैं वो हैं। तो सबॉर्डिनेटर क्या करता है, सबॉर्डिनेटर जो होता है वो मेन क्लॉज को, जो मेन सेंटेंस है, जो मेन क्लॉज है उसको सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ता है, ठीक है। यहां पर आएगा सबॉर्डिनेटर। जैसे एज, बिकॉज, सिंस, टिल, बाय, ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी बोल सकते हैं और सबॉर्डिनेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इस तरीके से आपको समझना है और कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना है क्योंकि रूल्स याद नहीं रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक सेंटेंस देख सकते हैं, आई कुड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज आई वॉज सिक। अब ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है बिकॉज आई वॉज सिक, ये सबॉर्डिनेटिंग सेंटेंस है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है ये, ठीक है। ये मेन क्लॉज है, ये सबॉर्डिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर डिपेंड है, ठीक है। इसको आप इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट से बिकॉज आई वॉज सिक, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका मीनिंग तभी निकलेगा जब इसको आप इस सेंटेंस से जोड़ देंगे। तो ये है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, ये है सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये सबॉर्डिनेट, ये इससे छोटा क्लॉज है, ठीक है, या इस पर डिपेंड है, ये क्लॉज इस पर डिपेंड है, ऐसा आप मान सकते हैं। और बिकॉज जो है इसको आप बोलते हैं सबॉर्डिनेटर, ठीक है। बिकॉज के स्थान पर यहां पर एज आ सकता है, सिंस आ सकता है, एज लॉन्ग एज आ सकता है, काफी सारे ये वर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब कुछ कुछ सेंटेंसेस आप यहां पर और देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, इट इज सो कोल्ड आउटसाइड सो आई ब्रॉट यू अ जैकेट, ठीक है। चूंकि बाहर बहुत ठंडी है, बाहर बहुत ठंड है, इसलिए मैंने आपके लिए जैकेट लाया हूं। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है, सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज है ये वाला सेंटेंस। और सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज को हम नॉर्मली मेन क्लॉज के बाद लगाते हैं, लेकिन यदि आप पहले रखते हैं इसको, और पहले रख सकते हैं आप, ये पहले रख के भी ये करेक्ट ही माना जाएगा। यदि आप सबॉर्डिनेटर को पहले रख के सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इसके बाद यहां पर आपको एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स मैं आपको इसके बता रहा हूं। अब सबॉर्डिनेटिंग जो क्लॉज होता है वो क्या क्या हो सकता है, वो या तो नाउन क्लॉज हो सकता है, या वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या वो एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, ठीक है। इसको समझने में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई नो, अब देखिए आई नो के बाद क्या आएगा, यहाँ पर है सब्जेक्ट, आई है सब्जेक्ट, नो है वर्ब। अब इसके बाद नॉर्मली क्या आएगा, यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट होता है नाउन। तो उस ऑब्जेक्ट को आप
आप एक नाउन के फॉर्म में भी रख सकते हैं और आप एक सेंटेंस के फॉर्म में भी रख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, एक्चुअली क्लॉज और सेंटेंसेस, सेंटेंस में केवल इतना फर्क है कि क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, लेकिन सेंटेंस और क्लॉज दोनों में ही अपने खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। जैसे इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये इस मेन सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्लॉज। और चूंकि ये नाउन के स्थान पर आ रहा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं नाउन क्लॉज। अब इसको देखिए, ही इज द मैन हु इज आर क्लास टीचर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज में ये कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये मैन जो कि नाउन है इसकी विशेषता ये वाला क्लॉज बता रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। अब ये वाला क्लॉज देखिए, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम बिजी, तो ये वाला जो क्लॉज है ये है एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि ये रीजन बता रहा है। जब जब किसी वर्ब के बारे में हम बात करते हैं, और वाई वेयर हाउ वाई वेयर हाउ वैन, इसका जब आंसर आपको मिलता है तो वो सारे होते हैं एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि वाई है, वेयर है, वैन हाउ है, ये किसका जवाब देते हैं? ये किसी वर्ब का जवाब देते हैं कि कोई एक्शन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, तो चूंकि ये बिकॉज से ये सेंटेंस बन रहा है, ठीक है, एक वर्ब का आंसर दे रहा है, आई कैन नॉट कम, मैं आ नहीं सकता, लेकिन क्यों नहीं आ सकता, यहां पर हम रीजन बता रहे हैं, तो इसलिए ये होगा आपका एडवर्ब क्लॉज। जो तो ये तीनों ही सबॉर्डिनेट क्लॉज हैं, और सबॉर्डिनेट जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ कॉमन सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, सबॉर्डिनेटर जो है या सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है, ये काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे ये वर्ड्स हैं। देखिए, ये वर्ड्स हैं मेन मेन, ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक आइडिया हो कि कौन कौन से वर्ड्स सबॉर्डिनेटर का काम कर सकते हैं। जैसे वाइल है, बिफोर है, नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ मतलब कोई भी काम कैसे होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। वैन मतलब जब, एज इफ जैसे कि, प्रोवाइडेड हम लगाते हैं शर्त के लिए, इस शर्त पर। ठीक है, प्रोवाइडेड का मतलब होता है इस शर्त पर, सपोजिंग का मतलब होता है मानना, इन केस मतलब इस परिस्थिति में होता है। एक जनरल आइडिया यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, एज सून एज मतलब जैसे ही, इवन इफ हम लगाते हैं जब हम इम्फेसाइज करते हैं, इवन इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, यदि तुम मेहनत करते हो तो भी। ठीक है, इवन इफ का ये मतलब होता है, वेदर के साथ हम और लगाते हैं, अनटिल टाइम रिलेटेड कंडीशन के साथ आता है, टाइम रिलेटेड कंडीशन, और जनरल जो कंडीशन होती है उसके साथ आता है अनलेस। तो ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं और इनको हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारे वर्ड्स एक वीडियो में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो क्लास में मैंने चार पांच कॉन्सेप्ट लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको हम समझेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ, और आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्सेप्ट्स, तो इस वीडियो क्लास में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रूल्स जो रहते हैं वो एग्ज़ाम में याद नहीं रहते हैं, रूल्स को आपको रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो इस वीडियो क्लास में एक तो हम एंड और का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक हम टू फ्यूचर एक्शंस, जब दो फ्यूचर एक्शन होते हैं तो उसमें क्या किस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट हम अनलेस और अनटिल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। एक हम इफ और दैट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ये चार कॉन्सेप्ट हम समझेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में आपको बताऊंगा और गलत सही सेंटेंसेस बताऊंगा, और इन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप समझते हैं तो इनसे आपको स्पॉटिंग एरर करने में, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने में और फिलर्स को करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्सेप्ट वन हम देखते हैं कि एंड और किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, एंड क्या करता है? एंड दो या दो से अधिक चीज़ों को जोड़ देता है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका होता है, ये एडिशन करता है, और एडिशन नहीं करता, और केवल ऑप्शन देता है, इसलिए इसको हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, इसको हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। क्यूमुलेट मतलब वो ऐड कर देता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि राम एंड श्याम, तो ये दो लोग हो गए। यदि मैं बोलूं राम श्याम एंड मोहन, तो ये तीन लोग हो गए। लेकिन यदि मैं बोलूं कि राम
और श्याम और मोहन, तो हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक बार में एक ही व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, और इसमें जो सब्जेक्ट माना जाएगा वो सिंगुलर माना जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड और का। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं कि एंड जो है ये क्यूम्युलेटिव है नेचर में, ये जोड़ देता है चीजों को, और जो है ये ऑल्टरनेटिव है, ये एक बार में एक ही सब्जेक्ट को लेता है या कंसीडर करता है। ठीक है, जैसे यदि आप यहां पर देखें कि राम एंड श्याम आर क्लर्क्स, ठीक है, दो क्लर्क की यहां पर बात हो रही है, क्योंकि एंड यहां पर लगा हुआ है, तो एंड के इस तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है और इस तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो दोनों को इसने जोड़ दिया, यानी ये दो क्लर्क की बात हो रही है, और चूंकि दो क्लर्क की इसमें बात हो रही है इसलिए यहां पर हमने लिखा है क्लर्क्स। ठीक है, अब यदि आप ऐसे बोलें कि राम और श्याम, यानी या तो राम क्लर्क है या श्याम क्लर्क है, इसलिए इसमें एक बार में एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो ली है ये ली है सिंगुलर, और यहां पर हमने क्लर्क्स नहीं लिखा, यहां पर हमने लिखा है क्लर्क। ठीक है, तो ये बहुत बारीकियां मैं आपको बता रहा हूं, और इसमें क्या रूल है, देखिए यहां पर और के दोनों तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यदि एक तरफ सिंगुलर है और एक तरफ प्लूरल है, तो फिर हम किस वर्ब को लेंगे, ये आपको समझना है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि राम और हिज फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर दो सब्जेक्ट हैं और से जुड़े हुए हैं, एक तरफ है सिंगुलर और एक तरफ है प्लूरल, तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। इसमें ग्रामेरियन कहते हैं या इसमें जो रूल है वो ये है कि पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लेंगे, तो पास वाला सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, तो इसलिए इज यहां पर गलत है, यानी ये सेंटेंस जो है ये गलत हो गया आपका। इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें राम सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले आएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे, देखिए इस हेल्पिंग वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो इसमें हम आर नहीं लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इस। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस गलत हैं, इसलिए मैंने इनको रेड कलर में लिखा हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंसेस, राम और हिज फ्रेंड्स, तो यहां पर हम जो वर्ब लेंगे ये इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि ये इसके पास है और ये प्लूरल है, तो इसलिए आर इसमें सही है। ये वाला सेंटेंस देखिए, हिज फ्रेंड्स, और यहां पर देखें राम, राम सिंगुलर है तो यहां पर हम लेंगे इज। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम काफी कंफ्यूजिंग है ये सेंटेंस, और कंजंक्शन में आगे वाले वीडियो क्लासेस में हम काफी कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस लेवल के सेंटेंसेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक्स को समझना जरूरी है, और यदि बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो एडवांस सेंटेंसेस भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए ये काफी ट्रिकी सेंटेंस है, राम और हिज फ्रेंड्स, तो इसमें हम वर्ब कौन सी लेंगे, इसमें ये जो वर्ब है इसके पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कैसा है, प्लूरल, यानी हम जो वर्ब लेंगे वो प्लूरल लेंगे। अब प्लूरल वर्ब इन दोनों में से कौन सी है, वर्क या वर्क्स, प्लूरल वर्क, प्लूरल वर्ब है इसमें है वर्क। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा वर्क, राम और हिज फ्रेंड्स वर्क इन ए कंपनी, इसमें वर्क्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो फ्रेंड्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि एंड का क्या इफेक्ट होता है और का क्या इफेक्ट होता है, इसके बेस पर काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बनते हैं और स्टूडेंट्स अक्सर उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे तरीके से समझना है। अब यहां पर मैं आपको समझाऊंगा टू फ्यूचर एक्शंस, यदि दो फ्यूचर एक्टिविटी हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें से एक क्लॉज को आपको सिंपल टेंस में लिखना है और दूसरे क्लॉज को आपको फ्यूचर टेंस में लिखना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन इसको आप समझेंगे कैसे, यहां पर आप देख सकते हैं कि जो क्लॉज सबॉर्डिनेटर से स्टार्ट होगा उसको आप सिंपल टेंस में लिखेंगे और दूसरा जो क्लॉज है उसको आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबॉर्डिनेटर से जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है कंडीशनल क्लॉज, आप उसको बांध सकते हैं या कह सकते हैं, तो कंडीशन जो है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, क्योंकि कंडीशन कंडीशन के ऊपर किसी टेंस को आप अप्लाई नहीं कर सकते, कंडीशन का मतलब है शर्त, और शर्त जो है वो किसी भी टाइम या टेंस के साथ बंधी हुई नहीं है, कंडीशन जो है वो हमेशा काम करेगी।
तो इसलिए कंडीशन वाला जो सेंटेंस है उसको आप सिंपल टेंस में लिखेंगे और दूसरा जो टेंस है उसको आप फ्यूचर में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो फ्यूचर कौन सा होगा? वो फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है। दूसरा वाला जो क्लॉज है उसको आप कैन और मे के साथ भी लिख सकते हैं, उसको आप पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। ये सब हम अभी देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ, ठीक है। तो वो वाला क्लॉज जो इन कोऑर्डिनेटर के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल टेंस में, ठीक है। और जो दूसरा क्लॉज होगा उसको आप अकॉर्डिंग टू द मीनिंग नॉर्मली फ्यूचर में लिखते हैं, लेकिन उसको आप कैन और मे के साथ भी लिख सकते हैं, उसको आप पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेटर के साथ जो सेंटेंस है उसको आप सिंपल टेंस में लिखेंगे, क्योंकि वो कंडीशनल एक सेंटेंस होता है। जैसे आप यहां पर देखिए, आई शैल नॉट गो अंटिल माई ब्रदर विल कम बैक, ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो इसको हम एनालाइज करते हैं। देखिए, ये है मेन क्लॉज, क्योंकि इसमें कोई भी सबऑर्डिनेटर नहीं जुड़ा हुआ है। ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, इसमें सबऑर्डिनेटर जुड़ा हुआ है। सबऑर्डिनेटर कौन सा है? अंटिल। तो अंटिल वाला जो सेंटेंस है इसको हम लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशन पर टेंस अप्लाई नहीं होता है, तो इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और ये वाला जो टेंस है इसको आप फ्यूचर में लिखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग कैन और मे के साथ भी इसको आप बना सकते हैं। तो आई शैल नॉट गो, ये सही है, आई शैल नॉट गो अंटिल माई ब्रदर विल कम बैक, तो इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग गलत है, ठीक है। इसलिए इसको मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, आई शैल नॉट कम अंटिल माई ब्रदर विल कम बैक, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, आई शैल नॉट गो अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक। तो ये सेंटेंस गलत है इसलिए मैंने रेड कलर में लिखा है, ये करेक्ट है इसलिए इसको मैंने ग्रीन में लिखा है, आई शैल नॉट गो अंटिल माई ब्रदर कम्स। अब यहां पर भी यदि कम्स आप नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कम्स सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए कम्स यहां पर सही है। और इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है उसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं और ये करेक्ट है, अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक आई शैल नॉट गो, ये सही है। अब इसमें सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जाता है, एग्जामिनर कैसे सेंटेंस देता है? देखिए, अंटिल माई ब्रदर कम्स, ठीक है, तो एक तो एरर इसमें ये हो सकती है कि अंटिल माई ब्रदर डज नॉट कम, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी अभी मैं बताऊंगा आपको कि अंटिल एक निगेटिव फ्रेज है और इसके साथ नॉट का प्रयोग हम नहीं करते हैं इस वाले क्लॉज में यहां पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अंटिल का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है। तो एक ये भी समझना है आपको। अब इसको देखिए कॉम्प्लिकेटेड कैसे किया जा सकता है, अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक आई शैल नॉट गो, ये सही है, लेकिन यहां से यदि मैं नॉट हटा दूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक आई शैल गो, इस तरीके से सेंटेंस देते हैं एग्जाम में कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को अगर टेस्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को चेक करते हैं, तो आप समझ सकते हैं। अंटिल माई ब्रदर्स कम्स, जब तक मेरा भाई नहीं आएगा, यहां पर क्या होना चाहिए? तब तक मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि आप नॉट हटा देंगे यहां से तो हो जाएगा कि मैं जाऊंगा। तो इस सेंटेंस का यदि आप नॉट हटा देते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक, जब तक मेरा भाई वापस नहीं आता है तो मैं जाऊंगा, जबकि आपको बोलना चाहिए तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो थोड़ा सा आपको मीनिंग भी निकालना आना चाहिए, ये भी काफी जरूरी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि अंटिल माई ब्रदर कम्स बैक आई शेल गो, आई शेल गो देगा वो, आई शेल नॉट गो नहीं देगा, ठीक है। तो आई शेल वाला जो पाथ है, आई शेल नॉट गो, इस पाथ में गलती मानी जाएगी, क्योंकि ये वाला जो पाथ है ये तो ऑलरेडी सही है, पहले से ही सही है ये वाला जो पाथ है। यदि इसमें आप विल कम लगा देंगे तो ये वाला पाथ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको आपको सिंपल टेंस में लिखना है, ठीक है। इसको आप, ये वाला जो पाथ है इसको आप फ्यूचर में कैन या मे के साथ या पैसिव वॉइस में इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। टू फ्यूचर एक्शन का हम और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, बाय द टाइम ही विल कम बैक आई शैल हैव कंप्लीट माई वर्क, इसमें कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है? देखिए, बाय द टाइम सबऑर्डिनेटर होता है,
तो ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये हुआ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये हुआ मेन क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम किस में लिखते हैं? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को हम सिंपल टेंस में लिखते हैं, इसलिए इसमें विल का प्रयोग गलत होगा। तो इसमें एक तो ये गलती हुई, और दूसरी गलती इसमें क्या है? दूसरी गलती ये है कि हैप के बाद यहाँ पर कंप्लीटेड वर्ड का हम प्रयोग करेंगे, तो दूसरी गलती इसमें ये हुई। यानी इस सेंटेंस में दो गलतियां हैं। ठीक है, अब देखिए, बाय द टाइम ही कम्स बैक आई शैल हैव कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या किया है, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये सही है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेटर वाला पार्ट है इसको हमने सिंपल टेंस में लिखा है, और ये वाला पार्ट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें हैप के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगी है। तो इसमें केवल एक गलती है, ऊपर वाले सेंटेंस में दो गलती है, नीचे वाले सेंटेंस में एक गलती है। अब नीचे वाला जो सेंटेंस मैंने दिया है ग्रीन कलर में, ये पूरी तरीके से करेक्ट है। बाय द टाइम ही कम्स बैक आई शैल हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो इसमें बाय द टाइम वाला जो पार्ट है इसमें कम्स लिखा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा हुआ है, और ये वाले पार्ट में हैप के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है, जो कि करेक्ट है। तो इसमें सबऑर्डिनेटर को आपने पहले रखा हुआ है, इसमें मेन क्लॉज को पहले रखा हुआ है, यानी ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। ठीक है, दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं, लेकिन इसमें हम चूंकि सबऑर्डिनेटर को पहले रख रहे हैं इसलिए इसमें हम कॉमा का प्रयोग यहां पर करेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाय द टाइम हम नॉर्मली यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, क्योंकि बाय द टाइम का मतलब होता है जिस समय तक। ठीक है, तो यदि मैं बोलूं कि जिस समय तक, तो इसका मतलब क्या है? जिस समय तक इसका मतलब है कि जिस समय तक तुम लौटोगे उस समय तक मैं कुछ कर चुका होऊंगा, कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, हो चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, जिस समय तक का मतलब है कि हम ये बता रहे हैं कि अभी से लेके फ्यूचर तक, ठीक है, कुछ हो चुका होगा, तो इसलिए बाय द टाइम को हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर हम देखते हैं, व्हेन आई गो टू यूके आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। सबऑर्डिनेटिंग पार्ट कौन सा है इसमें? सबऑर्डिनेटिंग पार्ट ये वाला है। मेन पार्ट कौन सा है? ये वाला है। सबऑर्डिनेटिंग पार्ट को हमने सिंपल टेंस में लिखा है और मेन पार्ट को हमने फ्यूचर के साथ लिखा है, यानी ये सही है सेंटेंस। आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू व्हेन आई गो बैक, ये भी सही है, यानी दोनों सेंटेंसेस आपके सही हैं। आई शैल गो देयर, अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस में क्या किया है कि इसमें भी शैल है। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं यहां से, तो ये है मेन क्लॉज, ठीक है, और ये है एक क्लॉज और ये है एक क्लॉज। अब इसमें दोनों में ही शैल लगाया हुआ है, दोनों में ही फ्यूचर लगाया हुआ है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? नहीं, ये सेंटेंस गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ये जो फ्यूचर और सिंपल टेंस वाला जो रूल है ये सबऑर्डिनेटर के साथ अप्लाई होता है। जब एक सेंटेंस मेन होता है और एक सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस होता है, तब ये रूल अप्लाई होता है कि एक एक पार्ट को हम फ्यूचर के साथ लिखते हैं और एक पार्ट को हम सिंपल टेंस के साथ लिखते हैं। लेकिन इसमें सबऑर्डिनेटर का यूज नहीं हुआ है, ये दोनों ही मेन क्लॉज हैं। यहां पर देखिए लगा हुआ है बट सबऑर्डिनेटर नहीं होता, बट होता है कोऑर्डिनेटर। यानी ये दोनों ही सेंटेंस इक्वल कैटेगरी के हैं, यानी एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए इन दोनों को ही आप फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। आई शैल गो देयर बट आई शैल सून रिटर्न। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। तो इस तरह के कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप आसानी से कर सकते हैं। अनलेस और अनटिल का क्या मतलब है? अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यदि नहीं, और अनटिल का मतलब होता है नॉट टिल। अनलेस आता है जनरल कंडीशंस के लिए, ठीक है, अंडर द सर्कमस्टेंसेस इसका मतलब होता है इन परिस्थितियों में ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। अनटिल होता है टाइम से रिलेटेड, लेकिन कोई वाक्य यदि ऐसा है जिसमें जनरल कंडीशन भी अप्लाई हो रही है और टाइम रिलेटेड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, तो आप ये दोनों कंजंक्शन को लगा सकते हैं, आप बोल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल। लेकिन प्योरली टाइम रिलेटेड कंडीशन है तो केवल अनटिल लगाएंगे, प्योरली जनरल कंडीशन है तो हम अनलेस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये है, और
अंटिल और टिल में क्या अंतर होता है, ये थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। अनलेस ही डज नॉट, देखिए इसमें आपको एक चीज और समझनी है। अनलेस कैसा फ्रेज है, नेगेटिव फ्रेज है, इसमें पहले से ही नॉट लगा हुआ है, इसलिए जिस क्लॉज में अनलेस या अनटिल का प्रयोग होगा उसमें हम नॉट का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। ये दो क्लॉज हैं यहां पर, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है नीचे वाला, ठीक है। तो अनलेस वाला जो क्लॉज है इसमें हम नॉट का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, ये गलत है यहां पर। और दूसरा वाला सेंटेंस में आप कर सकते हैं, अनलेस अनलेस ही कंप्लीट हिज वर्क, इफ ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। तो अनलेस के स्थान पर यदि आप लगाते हैं इफ ही डज नॉट, तो इफ ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क, यदि वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं करता है, ही कैन नॉट लीव, वह यहां से नहीं जा सकता है। अब एग्जामिनर क्या देगा, एग्जामिनर देखिए इस पार्ट को सही कर देगा, अनलेस ही कंप्लीट हिज वर्क, इस पार्ट में गलती दे देगा, इस पार्ट में वो कैन नॉट को हटा देगा। तो ये पूरे तरीके से इलॉजिकल बन जाएगा कि जब तक वो अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक वह जा नहीं सकता, जब तक वह अपना काम खत्म नहीं करेगा तब तक वह जा सकता है, ये एक सेंसलेस होगा। यदि कैन नॉट यहां से हटा दिया जाए तो ये सेंटेंस सेंसलेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में दिए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा और पढ़ के देखना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मीनिंग के अकॉर्डिंग फिर आपको अपना आंसर फिगर आउट करना होगा, ठीक है। अनलेस ही कंप्लीट्स हिज होमवर्क ही कैन नॉट लीव, ये सेंटेंस नीचे वाला जो ग्रीन कलर का सेंटेंस है ये सही है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, यू कैन नॉट वोट, यू आर 18, जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते तब तक आप वोट नहीं कर सकते। तो 18 साल का होना ये किससे रिलेटेड है, ये टाइम से रिलेटेड है, ये जनरल कंडीशन है, ये टाइम से रिलेटेड है पूरे तरीके से। तो यहां पर अनटिल आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, यू कैन नॉट सक्सीड, यू वर्क हार्ड, यदि आप यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते, यहां पर अनलेस ज्यादा प्रॉपर है क्योंकि यहां पर टाइम रिलेटेड कंडीशन नहीं है, एक जनरल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपसे पूछे जाते हैं। इफ यू डू नॉट पे द बिल बाय 31 मार्च, योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल बी कट, यदि तुम 31 मार्च तक अपना बिल नहीं देते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट कर दिया जाएगा, ये सेंटेंस सही है। अनलेस देखिए इफ इसमें आया है इफ और नॉट, और इसमें रिप्लेस कर दिया है इफ और नॉट को अनलेस से। तो अनलेस यू पे द बिल बाय 31 मार्च, योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल बी कट, तो ये दोनों ही सेंटेंस सही है, इसमें इफ नॉट को अनलेस से हमने रिप्लेस करके बताया है। तो इस तरीके से इनका यूज होता है। अनलेस यू पे द बिल, अब देखिए एग्जामिनर जो सेंटेंस देगा वो इस तरीके से देगा, अनलेस यू पे द बिल बाय 31 मार्च, यहां तक ये सही है, योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल नॉट बी कट, मतलब यदि आप 31 मार्च तक, यदि आप 31 मार्च तक बिल बिल पे कर देते हो तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, ये सेंसलेस लग रहा है, ठीक है। अनलेस यू पे द बिल बाय 31 मार्च, योर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन विल बी कट, ऐसे होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इस तरीके से एग्जाम में ये सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर इफ और दैट का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। इफ एज ए इफ हम लगाते हैं जब हम डाउटफुल सिचुएशन में होते हैं, जब हमें शंका होती है। दैट हम लगाते हैं जब हम श्योर होते हैं, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी आप केवल इतना ध्यान रखिए, इफ आता है डाउटफुल कंडीशन के लिए और दैट आता है जब आप श्योर होते हैं। देखिए ये तीन कंडीशन होती हैं, इफ आता है डाउटफुल कंडीशन के लिए, दैट आता है श्योर कंडीशन के लिए, और वेदर हम लगाते हैं जब हम डाउटफुल भी होते हैं और जब दो पॉसिबिलिटी हमारे सामने होती हैं, कि मैं डाउटफुल हूँ कि वो फ्राइडे को आएगा या सैटरडे को आएगा, इस तरह की कंडीशंस जब होती हैं, मैं डाउटफुल हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस में हम केवल वेदर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर। आई एम नॉट श्योर शी इज कमिंग टुडे, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब मैं डाउटफुल हूँ, तो यहाँ पर क्या आएगा, डाउटफुल सिचुएशन के लिए हम क्या लगाते हैं, हम इफ लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इफ। आई एम श्योर, यहाँ पर आप श्योर हैं तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे दैट,
ठीक है, आई एम डाउटफुल, यहां पर आप डाउटफुल हैं तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, इफ, ठीक है, आई एम नॉट डाउटफुल। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई एम नॉट डाउटफुल मतलब आई एम श्योर, और श्योर के साथ क्या लगाते हैं, दैट, तो यहां पर आ जाएगा दैट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं, आई डाउट, यहां पर वर्ब की तरह इसको हमने यूज किया है, आई डाउट, यहां पर क्या लगाते हैं, डाउट के लिए हम क्या लगाते हैं, डाउट के लिए हम लगाते हैं इफ, यहां पर आपका आंसर होगा इफ। आई डू नॉट डाउट मतलब आई एम श्योर, आई डोंट डाउट मतलब आई एम श्योर, तो यहां पर आ जाएगा दैट। लॉजिकल है, काफी लॉजिकल है, आई एम नॉट श्योर मतलब आई एम डाइट डाउटफुल, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, आई एम, आई डू नॉट डाउट, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई डू नॉट डाउट मतलब आई एम श्योर, तो यहां पर आ जाएगा दैट, और यहां पर आ जाएगा आई एम नॉट श्योर मतलब आई एम डाउटफुल, तो यहां पर आ जाएगा इफ। रटना नहीं है किसी भी चीज को, केवल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। कुछ सेंटेंस हम और देख लेते हैं, ही आस्क्ड मी, देखिए कोई किसी व्यक्ति से कब पूछता है, जब वो डाउटफुल होता है, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे पूछा, इसका मतलब वो डाउटफुल था, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे इफ, ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ ही हैड हेल्प हिम, उसने मुझसे पूछा कि क्या उसने उसकी मदद की थी। और सेंटेंसेस देख लेते हैं, ही वॉन्टेड टू नो, देखिए ही आस्क्ड मी, ही वॉन्टेड टू नो, ही इंक्वायर्ड, ये सारे होते हैं डाउटफुल रेफरेंस, डाउटफुल है, कोई व्यक्ति किसी से पूछना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, तो ये क्या है, ये डाउट, डाउट को शो कर रहा है। ही वॉन्टेड टू नो, वह जानना चाहता था, ठीक है, इसका मतलब डाउटफुल था, तो यहां पर हम लगाएंगे इफ। ही इंक्वायर्ड, उसने इंक्वायरी क्यों की, क्योंकि वो डाउटफुल था, तभी तो कोई इंक्वायरी करेगा, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा इफ, दैट नहीं आएगा इसमें। शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अब ये जब कोई किसी व्यक्ति को कुछ बताता है तो वो श्योर होता है, वो डाउटफुल नहीं होता है, तो यहां पर आ जाएगा दैट, दैट आएगा यहां पर। ही इज लिटिल डाउटफुल, ये काफी अच्छा सेंटेंस है, देखिए लिटिल होता है निगेटिव वर्ड, ठीक है, और डाउटफुल भी नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ के ये हो जाएंगे पॉजिटिव। लिटिल डाउटफुल, लिटिल और ए लिटिल में अंतर है, लिटिल पॉजिटिव होता है, सॉरी, ए लिटिल पॉजिटिव होता है, लिटिल डाउटफुल होता है, तो ये क्या हुआ, लिटिल का मतलब आप नॉट मान सकते हैं, तो नॉट डाउटफुल हुआ, ये नॉट डाउटफुल मतलब श्योर हुआ, तो आप यहां पर लगाएंगे दैट, यहां पर दैट लगा हुआ है। ही इज आ लिटिल डाउटफुल, तो यहां पर आ लिटिल का मतलब होता है सम, लेकिन ये अल्टीमेटली इफेक्टिवली ये डाउटफुल ही होगा, तो डाउटफुल सिचुएशन के लिए हम क्या लगाते हैं, डाउटफुल सिचुएशन के लिए हम लगाते हैं इफ, ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिकली आपको थोड़ा सा सोचना है। तो यहां पर मैंने चार या पांच कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे यूजफुल ये कॉन्सेप्ट है, काफ़ी हाई लेवल के और एडवांस सेंटेंसेस भी मैं लूँगा इसमें, लेकिन आगे वाले वीडियोस में वो आएंगे, सबसे पहले आपको बेसिक्स को समझना है, और इसमें मैंने चार या पांच कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर और इन ईमेल आईडी पर आप दे सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।